महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पहले जितनी तेजी से मंथन का दौर चल रहा था, नेताओं की गाड़ियों का चक्का घूम रहा था, अब वो रफ्तार थम गई है। बैठकों का दौर कम हो गया है, जिसकी झलक उस वक्त नजर आई जब पहले कांग्रेस और एनसीपी ने राज्यपाल संग होने वाली मीटिंग को रद्द किया, फिर आज सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच भी मुलाकात नहीं हुई। इस चुप्पे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने दावा किया था कि अब की बार जीत का इतिहास रचेंगे, लेकिन नतीजों ने ऐसा इतिहास बनाया कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन सियासी इतिहास के उस पन्ने में दर्ज हो गया, जहां 24 दिन बाद भी ये सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार। ये सस्पेंस तभी खत्म होगा जब कोई पार्टी 145 विधायकों का समर्थन हासिल कर ले। किसी पार्टी के पास ये संख्या बल नहीं है और इसीलिए सरकार गठबंधन की ही बनेगी, ये तय है। और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन भी तय दिख रहा है, लेकिन अभी तक इस पर मोहर नहीं लग पाई है। ये देरी इसीलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि नेताओं की मीटिंग टलती जा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक होनी थी, लेकिन निजी कारणों की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। इस मीटिंग को लेकर कहा जा रहा था कि शरद पवार सोनिया गांधी को शिवसेना के साथ के लिए समर्थन देने के लिए मनाएंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शिवसेना के समर्थन के लिए राजी नहीं हो रही है। इसकी वजह उद्धव ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है। उन्हें डर है कि अगर वो शिवसेना का साथ देती हैं, तो वोट बैंक छिटक सकता है। इसके साथ ही दूसरी वजह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए ही सोनिया गांधी अभी तक हाँ नहीं बोल पाई हैं। उनके इसी रुख की वजह से अब तक गठबंधन की गुत्थी उलझी हुई है। इसी देरी ने शनिवार को राज्यपाल से होने वाली मुलाकात को भी टाल दिया था। शनिवार को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करनी थी। हालांकि ये मीटिंग किसानों के मुद्दे पर थी, लेकिन अंदर खाने हर कोई जानता है कि किसान तो बहाना है, असल मकसद तो सरकार बनाना है। लेकिन जब मंथन ही नहीं होगा, बात ही नहीं होगी, तो सरकार गठन कैसे होगा। अब ये सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगा है, जिसका जवाब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के पास ही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।